तो हाय, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सोशल मीडिया मैनेजर के लिए। सोशल मीडिया मैनेजर, आज मैं आपसे ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हैं, सोशल मीडिया को अपना करियर चूज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। रीजन बिहाइंड इज क्योंकि मैंने ये जो एक्सपीरियंस, क्योंकि एज सच मैं भी डिजिटल एजेंसी चलाता हूँ और साथ के साथ मैंने कुछ लोगों से बात करी जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, जो एज सच जॉब कर रहे हैं एज अ सोशल मीडिया मैनेजर्स, उनका क्या लाइफ एक्सपीरियंस है, वो अपनी लाइफ को कैसे लेते हैं एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, तो वो मैंने सब डिस्कस करा। मैं आपको इस वीडियो में उनका जो उनका प्रोस्पेक्टिव है वो भी बताने वाला हूँ, क्या चैलेंजेस हैं वो भी आपको समझ में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो एक सोशल मीडिया मैनेजर के लिए बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, कि एक सोशल मीडिया मैनेजर बनने के लिए आपको व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, कि आपको क्या क्या चाहिए। दूसरा, क्या एक सही तरीका है, व्हाट इज द राइट वे टू बिकम अ सोशल मीडिया मैनेजर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम सोशल मीडिया में जा रहे हैं तो हमारा करियर कितना सेफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपको इसमें रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। स्किल्स कौन कौन सी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ क्रिएटिव सोचना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्रिएटिव होना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको क्रिएटिव होना है, आपको कुछ हर टाइम कुछ ना कुछ नया सोचना है, क्योंकि कुछ भी वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पे, तो आपको कुछ हर टाइम कंसिस्टेंटली वर्क करना है और कुछ क्रिएटिव सोचना है, क्लाइंट्स को प्रोवाइड करना है। दूसरा, आपको कंटेंट बनाना आना चाहिए। थर्ड, आपको डिजाइनिंग आनी चाहिए। फोर्थ, आपको स्ट्रेटजी बनानी आनी चाहिए। अगर कोई भी आपके पास कोई न्यू अकाउंट आता है तो उसके हिसाब से आप क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है। और लास्ट वन इज फेसिंग चैलेंजेस। ये मैं कुछ मेरे एक्सपीरियंस है और कुछ सोशल मीडिया मैनेजर्स से जिनसे मैंने बात करी उनके एक्सपीरियंस है। करियर सेफ्टी, देखिए करियर सेफ्टी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने क्रिएटिव हैं। फॉर एग्जांपल कोविड का भी टाइम ले लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे सोशल मीडिया मैनेजर्स या फिर बहुत सारे ऐसी जॉब्स गई हैं लोगों की, लेकिन उन्होंने अपना सर्वाइवल खुद फाइंड आउट करा, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई और अपने क्लाइंट्स अपने लिए फाइंड आउट करे, जिससे उनका सर्वाइवल अच्छे मोड पे गया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव है और किस एक्सटेंट तक जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज द राइट वे टू गो इन द सोशल मीडिया। तो राइट वे क्या है कि आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है स्टार्टअप्स। आपको छोटे छोटे स्टार्टअप्स ढूंढने हैं जो आपके आसपास न्यू स्टार्टअप्स ओपन होते हैं, उनका सोशल मीडिया अकाउंट आप हैंडल कर सकते हैं, उनसे आप मांग सकते हैं कि सर मैं आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आप इंटर्नशिप कर सकते हैं डिजिटल एजेंसीज में, जो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज होती हैं वहाँ पे आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आप एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करें और फिर देन आप जॉब के लिए अप्लाई करें जहां पे आपको मैनेजर का रोल मिलेगा। अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना आता है, क्रिएटिविटी है आपके अंदर, डिजाइनिंग करनी आती है और स्ट्रेटजी प्लान आउट करनी आती है, अगर ये सारे काम आपको करने आते हैं तो आपको सोशल मीडिया मैनेजर का टैग मिल सकता है। ये सब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो एक टीम को मैनेज करने का है और बाकी लोगों से बात करने का है। चलिए देखते हैं एक छोटी सी क्लिप जो दीक्षा सचान, जो सोशल मीडिया मैनेजर हैं, जो वर्क कर रही हैं दिल्ली में इस टाइम, और उनका क्या लाइफ एक्सपीरियंस है एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, चलते हैं और देखते हैं। तो दीक्षा, बेसिकली सोशल मीडिया में अगर कोई आता है, जैसे कि कोई अपना करियर चूज करता है सोशल मीडिया, खाली ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल पढ़ने के बाद सोशल मीडिया में ही जाना चाहता है, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा अपना करियर अच्छे से, क्या सेफ्टी है इस लाइन में या नहीं है, ये आप पे इसका एक्सपीरियंस है, आप अच्छा बता सकती है। अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है और मैं मतलब इसको डे टू डे लाइफ में ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो एज अ करियर ये काफी काफी कूल होता है ना, कि आप सोशल मीडिया का टैग लगाते हो कि यू आर सोशल मीडिया मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, जो भी, वो बहुत अच्छा मतलब एक टैग होता है। और करियर, एज अ करियर में बात करूँ तो इसमें चैलेंजेस तो देखो आते ही है, इट्स लाइक दोनों के कॉज एंड कॉन्स जो होते हैं वो है इसमें भी।
तो सबसे पहला तो अगर मैं बताऊंगी कि फायदे क्या है अगर आप इसमें हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया एक कूल टाइटल मिल जाता है आपको। सेकेंडली आपकी क्रिएटिविटी काफी बाहर आती है इसमें, आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, और आपकी अगर फोटोग्राफी स्किल्स अच्छे हैं तो ये और अच्छा होता है। आप चीजें सोचते हो कि वायरल कैसे होगा, तो ये आपके ना दिमाग में हमेशा कीड़ा रहता है कि मैं अपने कंटेंट को वायरल कैसे करूं। मतलब ये आजकल कुछ भी वायरल हो जाता है क्योंकि किसी को नहीं पता कि हाँ ये अच्छी चीज है तो यही वायरल होगी। कोई भी तरीका आजकल काम कर जाता है, इट जस्ट कि आप कैसे लोगों तक कनेक्ट कर पा रहे हो। सो फाइनली आपने देखा कि कितना चैलेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी फील्ड इतनी आसान नहीं, कोई भी फील्ड इतना इजी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं एज अ सोशल मीडिया मैनेजर आप कहीं किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो दैट इज ओके, आसान है या मुश्किल है, हर फील्ड अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज चैलेंजेस। आप कितना चैलेंज बेयर कर सकते हैं, कितने चैलेंजेस आप ले सकते हैं, ठीक है, कितने क्रिएटिव आप हो सकते हैं। और देखिए, ये डिपेंड नहीं करता कि इसमें करियर सेफ्टी का क्या रोल है। करियर सेफ्टी आपकी जो इसके इसकी स्किल्स है ना, कंटेंट कंटेंट क्रिएशन, डिजाइनिंग, ये सब आपको सिक्योरिटी देती है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया अगर बैन भी हो जाते हैं, टिकटॉक जो बैन हो गया, और अगर हम इन फ्यूचर की बात करें मे बी पॉसिबल इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी बैन हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये स्किल्स आती हैं, कंटेंट क्रिएट करना आता है, डिजाइनिंग करनी आती है, क्रिएटिविटी के साथ आपको स्ट्रेटजीज बनानी आती है, तो आपका करियर सेफ है। अगर आप खाली सोशल मीडिया को सोच रहे हैं, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द गेम। आपको सारी चीजें लेके चलनी है, आपकी ये जो स्किल्स है ना इन पे वर्क करना है। अब ये आप कहाँ लगा रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे लगा रहे हैं। अभी अगर ये फॉर एग्जाम्पल आपको इस पे जॉब नहीं मिलती या आपको इस पे करियर अपना नहीं सेट कर पाते, तो आप ये स्किल्स लगा के SEO में भी जा सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वहां पर कंटेंट लिख सकते हैं, स्ट्रेटजीज बना सकते हैं और फिर उस पर काम कर सकते हैं। आप वीडियो क्रिएशन पर भी जा सकते हैं, कंटेंट ही बनाना मेन इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक सो कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, और एक सोशल मीडिया मैनेजर का लाइफ स्टाइल और लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ मैंने ये शेयर करा। होप तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, अगर आप सोशल मीडिया में जाना चाहते हैं और ये पूरे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के आप क्या सोच रहे हैं, सोशल मीडिया में जाना है या किसी और फील्ड में जाना है, तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। या फिर अभी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि सोशल मीडिया बेस्ट रहेगा या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट रहेगा, तो मैं आपको आगे वीडियोस उस पर भी बना के दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।